the Indian Travel Diaries and this side Shilpi from Bangu to Baniya. Guys, आप लोग सब ने हिमाचल में शिमला मनाली सब जगह गए होंगे डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है लेकिन आज हम लोग यहाँ से एक ऐसी जगह कवर कर रहे हैं वो है साधुपुर नोएडा से मैं जर्नी कर रही हूँ तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी अभी बज रहा है सुबह के 8 248 तो हम हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं ये टोल प्लाजा है फ्रेंड्स अभी हम लोग साधुपुल पहुंचने वाले हैं बस 1 किलोमीटर रह गया है रास्ते में आप देख ही रहे हो पूरा जंगल है ये चारों ओर ग्रीनरी है आई थिंक पहुंच जाएंगे फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि हम जिस कॉटेज में जा रहे हैं वो कहाँ पे है किस लोकेशन में है property and see this property ये कच्चा रास्ता है थोड़ा सा जहाँ से बहुत आराम से कार आ जाएंगी आपकी ये है वो location वाओ ये कैफ़े बना हुआ है इनका शाम के टाइम और अच्छा लगेगा वेलकम टू माय कॉटेज प्लीज़ आओ और देखो और इंजॉय करो सी फ्रॉम माय साइड इट्स रियली कोजी ये इनके बेडरूम है और काफ़ी इंटीरियर भी बहुत अच्छा कर रखा है टीवी सोफ़ा एवरीथिंग इज़ गुड एंड ये वॉशरूम है ऐसे जगह में ऐसे क्लीन एंड मतलब हाइजीनिक वाला वॉशरूम गीज़र लगा हुआ है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कोई खामी है तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है मतलब सीरियसली मैंने आपसे शेयर किया था वो कॉटेजेस थे यहाँ पे 4 गेस्ट रूम भी बने हुए हैं फर्स्ट फ्लोर में है 4 कमरे हैं तो दिस वन जो व्यूज़ है आप देख सकते हो सामने वो नदी जा रही है और यहाँ पे मैं अभी गई थी आपको दिखाया भी था कॉटेजेस जो है छोटे छोटे नीचे प्रॉपर्टी में बहुत सारी टमाटर एंड ऑल सब इन्होंने फार्मिंग कर रखी है तो ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है एक बहुत अच्छी सी नदी बह रही है अभी बहुत ज़्यादा थके हैं नाउ डिनर टाइम अभी 9:30 हो रहा है सीताल एंड एग करी इट्स सैलेड
के 12 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं नोएडा के लिए। हम यहाँ 2 nights रुके थे एंड एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। रिवर साइड प्रॉपर्टी होने की वजह से एक अलग ही फील है यहाँ की। रूम्स एंड बाथरूम्स भी बहुत अच्छे हैं, क्लीन है, मुझे तो बहुत पसंद आया। फैमिली के साथ स्टेकेशन के लिए विद बोथ बच्चे एंड बुजुर्ग आइडियल जगह है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉन्ट टू सी मोर सच ऑफ बिट रिकमेंडेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।